प्रेम साथियों, आज मैं आपसे रूबरू होने का इसलिए ज़रूरत पड़ी, आजकल एक ड्रामा चल रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि हमारे पास पैसे नहीं है जी, चुनाव लड़ने के लिए चंदा चाहिए जी, ये वो पता नहीं। जब ये राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं तो अफवाहें आती हैं कि 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ रुपये लेकर के ये लोग भेज रहे हैं, और 5 साल की सरकार भी रही, इनके मंत्री पर खूब आरोप लगते हैं। अभी पीछे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनके ड्राइवर के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली, और जो इनके मंत्री सतेंद्र जैन उन पर भी खूब हवाला लगे, खूब आरोप लगे, सीबीआई की जांच हुई, छापे हुए। इन सब बातों से आप लोग परिचित हैं। सबसे पहले मैं बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ, जिन्होंने बहुजन समाज की, दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ी, और उनके बाद मान्यवर साहब काशीराम ने जो बहुजन समाज के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, उसको नमन करता हूँ। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बाबा साहब का बलिदान, के बाबा साहब क्या चाहते थे इस समाज के लिए। बाबा साहब के चार बच्चे मर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज की लड़ाई को बंद नहीं करा। जब उनका आखिरी बेटे की लाश घर में पड़ी थी तो उनको गोल में सम्मेलन में एक मीटिंग में जाना था जहाँ पर दलितों के अधिकार की बात होनी थी। उन्होंने कोई भी किंतु परंतु नहीं किया और तैयार होकर के अपने वहाँ निकलने लगे। जब माता जी ने कहा कि आपके बेटे की लाश घर में पड़ी, आप जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि गांधी पता नहीं मेरे कितने बेटों को मार देगा, मेरा वहां जाना जरूरी है। तो उन्होंने इस समाज को अपना परिवार समझा और बहुत बड़ा बलिदान दिया। उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम ने, जब वो जवान थे और साइंटिस्ट की नौकरी पे थे, अपनी साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ करके उन्होंने जो है ना बहुजन समाज का आंदोलन में शुरुआत की, उनके लिए लड़ने का सोचा। और जब साहब की शादी विधायक की लड़की से तय हो रखी थी, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा और कहा अपनी माँ को कि माँ मैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए घर छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं ली थी कि मैं आजीवन घर नहीं जाऊँगा, आजीवन शादी नहीं करूँगा, किसी के शादी के आयोजन में नहीं जाऊँगा, किसी के मृत्यु के आयोजन में नहीं जाऊँगा, और बैंक बैलेंस नहीं रखूँगा। तो जब साहब काशीराम के माता जी का पिताजी का देहांत हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई आपके माता जी पिताजी एक्सपायर हो गए, तो साहब काशीराम ने कहा कि मैं संबंधों को उसी दिन छोड़ आया था जिस दिन घर छोड़ा था, अब ये समाज ही मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन, सब कुछ यही है। तो इन जो महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी, जो बलिदान दिया है, आप लोग गद्दार कौम हो, इस समाज के जो बहुजन है वो गद्दारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ, वो गद्दारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं साहब काशीराम के साथ। आप लोगों ने इन जो ब्राह्मणवादी मनुवादी जो पार्टियां हैं, भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी, और ये तो चुनाव चिन्ह लेके आया नकली झाड़ू वाला है, ये जो सीएम है नकली झाड़ू वाला है, मैं कहता हूँ असली झाड़ू वाले तो रोज रोड पे रहते हैं। इनको अगर आप पैसा और वोट देते हो तो सोच लो अपने बहन बेटियों से भी, इज्जत बेचने से भी ज्यादा बड़ा अपराध करते हो आप लोग। अगर हम लोग इनको वोट और नोट देंगे तो यही हमारा शोषण करेंगे। जब हड़ताल होती है व्यापारियों की, केजरीवाल उनके साथ जाके बैठता है, और जब हमारे लोग इनके घर पे हड़ताल करने जाते हैं तो उनको लाठियों से डंडों से पीटा जाता है। तो बहुजन समाज के लोगों, आप समझ लो कि आप किसको वोट दे रहे हो और किसको नोट दे रहे हो। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, उस बलिदान को याद करना पड़ेगा, इस आवाम के लिए, इस समाज के लिए बाबा साहब ने, साहब काशीराम ने, बिरसा मुंडा ने, ज्योतिराव फुले ने, साहूजी महाराज ने, उद्धम सिंह ने, इन लोगों ने बलिदान दिया है, और आप उनके बलिदान को नकारा कर रहे हो, आप उनके बलिदान को पीछे ले जा रहे हो। मैं कहता हूं अगर आपने चंदा ही देना है तो अपने समाज की पार्टियों को दो, अपने समाज के लोगों को दो। ये जो लोग हैं ये आपका वोट भी लेंगे, आपका नोट भी लेंगे, और शोषण भी आपका यही करेंगे। आज तक मुझे एक आदमी बता दो जो स्वर्ण जाति का आदमी जेल में गया हो, जितने भी चाहे बाबा हो चाहे नेता हो, सारे ही बहुजन समाज के लोग जेल में गए हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, अगर ये बहरूपिए, ये आम आदमी की बात करने वाले आपके पास आते तो इनसे पूछना कि अरविंद केजरीवाल जी आपने कहा था कि हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे, दिल्ली के कौन से स्कूल में बाबा साहब को पढ़ा रहे हो? ये सब ड्रामेबाज हैं, ये ढकोसलेबाज हैं, ये सिर्फ आपकी बात करेंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो मैंने आपको यही संदेश देने के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा बहुजन समाज से कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को मजबूत करो। इन चोरों को, इन मक्कारों को, इन लुटेरों को, ये वही लुटेरे हैं, ये इस देश में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ था, आजादी नहीं आई थी, आज भी इस देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, आज भी जब हम कोरेगांव में इकट्ठा होते हैं तो दलितों को स्वर्णों के द्वारा मारा जाता है, आज भी हम 2 अप्रैल का भारत बंद करते हैं तो देवकी नंदन जैसे, ठाकुर जैसे, ये भड़वे जो भांड कहता हूं मैं इनको, ये जो है ना हमारे लोगों को बरगलाने का, हमारे लोग कहते हैं मंदिर ही जाएंगे, अरे हमें नहीं जाना तुम्हारे मंदिर। जिस दिन तुम लोग बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं कर लोगे, बहुजन समाज के लोगों, 21वीं सदी है, बाबा साहब ने कहा था
क्या आप अपने घर की दीवारों पर लिख दो क्या आप इस देश के हुक्मरान बनोगे। और आज मजबूरी बन चुकी है बहुजन समाज इन सब लोगों की, आप लोग समझ जाओ। अगर आपके घर पे ये पैसे मांगने जाए, पैसे तो बहुत दूर की बात है, इन हिंदूवादियों को, इन जो ना ब्राह्मणवादियों को, इन मनुवादियों को एक पानी का गिलास भी मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सबसे बड़े इस कौम के गद्दार हो, बाबा साहब के गद्दार हो, सावकाशीराम के बलिदान के तुम गद्दार लोग हो। तुमको समझना पड़ेगा, अगर सावकाशीराम के सपने को साकार करना है तो इन चोरों को जो है ना अपने घर से दूध काटना पड़ेगा। इनको दो चीजें देना बंद कर दो, एक इनको दान देना बंद कर दो और एक मतदान देना बंद कर दो। जिस दिन तुम ये बंद कर दोगे तुम्हारा राज आ जाएगा और तुम लोग इस देश के शासक बनोगे। और ये याद रखना, कभी राजा का शोषण नहीं होता, तुम लोग इस देश के राजा बनो। इस देश की ग्राम पंचायतों पे, नगर पालिकाओं पे, इस देश की विधानसभा में, इस देश की संसद पे कब्जा करने का काम आप लोग करो। आप इस देश के हुक्मरान हो, आप इस देश के अन्नदाता हो, आप इस देश को बनाने वाले हो। मैं कहता हूँ गांधी जो नकली बाप है इस देश का कोई बाप है तो हमारा बाप है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस देश का कोई बाप है तो हमारा बाप है माननीय काशीराम साहब। अरे रामायण एक दलित ने लिखी, महाभारत एक दलित ने लिखी और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक दलित ने लिखा। तुम्हारी औकात थी तो तुम लोग लिख के दिखा देते। और ये मोहन भागवत जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें दो दिन दे दो हम इस देश में वो कर देंगे जो आर्मी ने नहीं किया। अरे हमने 2 अप्रैल को एक छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। हमें मत छेड़ो, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग वही लोग हैं उस परंपरा से आते हैं। हमें मरा हुआ जानवर खाने के लिए जंगली कुत्तों से लड़ना पड़ता था और हम उस परंपरा से, हमें जंगली जानवरों की, मरे हुए जानवरों की खाल उतारनी आती है और खाल की जूती बनानी आती है। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो तुम्हारे सिर पे भी मारनी आती है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों, आप लोग समझ जाओ और इन चोरों से सावधान रहो और इनको निश्चित नाबूद करना है। दिल्ली में 27% वाल्मीकि है और बहुजन समाज को लगाओ तो 85% बहुजन समाज है। अगली बार 2020 में इन चोरों के साथ 2020 खेलेंगे हम लोग और दिल्ली में दलितों की बहुजनों की सरकार बना के रहेंगे। और नारा हमारा यही रहेगा कि जैसे साहब काशीराम ने दिया था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम। तो अबकी बार मिलेंगे बहुजन मुसलमान सारे मिलेंगे और हवा में उड़ जाएगा केजरीवाल जैसे लोग। तो धन्यवाद आप लोगों को, ये संदेश था, इनको दान और मतदान देना बंद कर दो, तुम्हारा राज आ जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।